नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सॉल्वेंट टेक में। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए लेकर के बहुत ही खास बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा डिमांड इसी वीडियो की, सबसे ज्यादा इस चीज पे सबसे पहले वीडियो बनाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। प्लांट को अक्सर चालू करना होता है अक्सर, तो हमको ये नहीं पता चलता कि कौन सा पंप हमको चालू करना है, कहाँ पे हम जाना है। एकदम से जो है सीरियस में एकदम खड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। बॉस के पास, सीनियर के पास जाते हैं, सर क्या करना है, वो बोलता है फलाना पंप चालू करो, दौड़ के जाते हैं। उसके बाद फिर हमें नहीं पता होता कि क्या करना है, तो हम वहीं पे खड़े हो जाएं कि अपने आप से कुछ बैकअप करें, कि यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग पोजिशन कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से पंप को कब चालू करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्त, वीडियो को स्किप मत करिए। जो देखना है ना पूरा एक तरफ देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर एक पॉइंट मिस किया, एक चीज मिस किया, तो फिर आपको पूरे प्रोसेस जो आप चालू कर रहे हैं ना उसमें फिर समझ में नहीं आएगी बात। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बॉस कि देखिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको देख सकें, वॉच कर सकें। ठीक है, तो दोस्त शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात जब हम इस प्लांट को स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जरा सा भी गड़बड़ी की तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और वो बहुत बड़ी समस्या ऐसी हो सकती है कि आपका पूरा दिन निकल जाए आपका फिर प्लांट चालू करने में। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ठीक है हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। पहले नंबर पर कौन सा पंप चालू करते हैं दोस्त? वाटर पंप। वाटर पंप को जो है सबसे पहले चालू करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वाटर पंप हमारा चालू हो गया, चालू ही नहीं करना है, उसको देखना भी है, चेक भी करना है कि वाटर पंप ने पानी पकड़ा कि नहीं पकड़ा। क्योंकि अगर पानी नहीं पकड़ा, आपने चालू करके बटन दबा के और आप चले आए प्लांट चालू करने लगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो सबसे पहले उसको बहुत ही अपने को मतलब ये आश्वस्त कर लेना है कि नहीं हाँ हमारा वाटर पंप पानी पकड़ गया है, पानी का सर्कुलेशन हमारा चालू हो गया है कंडेंसर में। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पे क्या करना है, कौन सा पंप चालू करना है? दूसरे नंबर पे आपको रिक्यूपरेशन सेक्शन के दोनों पंप चालू कर लेने हैं। रिक्यूपरेशन सेक्शन के अब रिक्यूपरेशन सेक्शन में दो पंप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ऑब्जर्वर का और दूसरा होता है स्ट्रिपर का, ठीक है। इनको आप हार्ड और कोल्ड के नाम से भी जानते हैं, कि हार्ड वाला गर्म वाला है, देसी भाषा में कि गर्म वाला पंप चालू करना है रिक्यूपरेशन का, ठंडा वाला चालू करना है। तो ठीक है, तो आपको जो है हार्ड और कोल्ड, हार्ड एंड कोल्ड, ये दोनों पंप चालू कर देने हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हार्ड वाटर जो पानी का सर्कुलेशन डस्ट कैचर से होते हुए चलता है, हार्ड वाटर पंप चालू कर देंगे, हार्ड वाटर पंप चालू कर देना है, ठीक है बॉस। अब आपने कितने पंप चालू कर दिए, एक और ये दो, एक ये दो और एक तीन, दो एक तीन एक चार, टोटल चार पंप आपने चालू कर दिए हैं। अब आपको यहीं पर रुक जाना है। अच्छा, एक चीज और है कि प्लांट चालू करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्लांट हम जब चालू कर रहे हैं वो हमारा लोडेड प्लांट है या खाली प्लांट है। खाली प्लांट का मतलब ये हुआ कि आपका स्ट्रक्चर भरा हुआ है या स्ट्रक्चर खाली है। तो ज्यादातर हम आज बात करेंगे जो स्ट्रक्चर भरा हुआ रहता है, एक दो घंटे के लिए बंद हो गया, एक दिन के लिए बंद हुआ, स्ट्रक्चर हमारा भरा हुआ है, हॉपर हमारा भरा हुआ है और प्लांट को चालू करना है। तो सबसे ज्यादा क्या जो सिचुएशन सबसे ज्यादा होती है उसके बारे में ज्यादा बात करना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि प्लांट हमारा जो है अभी भरा हुआ है, लोडेड प्लांट है, उसको हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि खाली प्लांट को चालू करने के थोड़े से प्रोसेस में सिस्टम में नियम में बदलाव हो जाता है। तो जो हम जब आप हॉपर आपका भरा हुआ है कंप्लीट है, आपने चार पंप चालू कर लिए, वाटर पंप, रिक्यूपरेशन के दो पंप और हार्ड वाटर के पंप, ठीक है बॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर आपके यहाँ सिस्टम ये है कि बॉयलर को फोन लगाना है, तो बॉयलर को बताइए कि भैया हमको स्टीम लेना है। वो आपको जब बोल रहा है कि हाँ ठीक है आप स्टीम ले लीजिए, तो फिर आपको स्टीम लेनी है प्लांट में। प्लांट में स्टीम लेना शुरू किया आपने मेन हेडर से, आपने जो मेन हेडर में है, मेन हेडर में क्या है, कहीं कहीं क्या होता है बॉयलर से सीधे मेन हेडर में अपने आ जाती है, अपन मेन हेडर में लेते हैं,
लेकिन स्टीम लेने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्त। इंपॉर्टेंट काम कौन सा करना है कि आपको जितने भी स्टीम के आपके बाईपास है ना उनको खोल दीजिए, उनको खोल लीजिए। आपके जैसे मेल हेडर में आप ले रहे हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप जो है अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा अगर जो आपको जरूरत लगती है तो। मेरा तो समझाने का काम है, मैंने आपको समझा दिया, अब आपको लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आपके चार पंप चालू हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर लिख सकता है हॉट वाटर एक, हॉट वाटर एक, रिकॉपरेशन दो, ये पंप आपके चालू हो चुके हैं। उसके बाद में आप स्टीम ले रहे हैं, आप स्टीम ले रहे हैं, ठीक है। स्टीम कहां लेंगे आप? सबसे पहले मेन हेडर में, स्टीम का जो मेन हेडर होगा, मेन हेडर में आपने स्टीम लेना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, बाईपास खोलना है, चाहे वो हीटर का बाईपास हो, जहां जहां आपको स्टीम देनी है वहां वहां के बाईपास पहले खोल देना है। बाईपास खोलना क्यों जरूरी है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बाईपास अगर जब आप खोल देते हैं, मान लो कि ये आपका कोई आइटम है, ठीक है, आप इसमें जो है स्टीम देने वाले हैं, यहां से स्टीम आपने देना है और यहां से ड्रेन हमेशा लगा रहता है। जब आप स्टीम यहां से देंगे और यहां पे जो हमारा वाल लगा है यहां पर, अगर हमने इसको खोला नहीं तो क्या होगा, आपका स्टीम में जो यहां पे पानी इसमें भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा? स्टीम में भी पहले पानी आना है तो पानी कैसे निकलेगा? इसलिए इसको खोलना जरूरी है। जैसे हम स्टीम यहां से देंगे तो जो है स्टीम यहाँ पहुंचेगी, पहुंचने के बाद में ये पानी यहाँ से ड्रेन होगा, उसके बाद में ही इसमें टेम्परेचर आएगा, ठीक है ना, समझ में आगे बात। तो कैसे, इसको जो है पहले हमको सारे बाईपास खोल देने हैं, तो मेन हेडर का बाईपास खोल दिया और उसके बाद में स्टीम को बहुत ही धीरे धीरे से खोलते हैं। अगर अचानक खोल देंगे तो क्या होगा कि एकदम से प्रेशर आएगा और उसमें जो पानी है वो एकदम से पूरी लाइन को हिला के रख देगा, एकदम से हैमरिंग होने लगेगी लाइन में और उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, स्टीम को बहुत धीरे धीरे खोलना है भाई। स्टीम को आपको हेडर में हो या कहीं भी हो, जब आप पहली बार खोलना है तो बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आपने स्टीम खोलना है बीच में, क्या है ना, समय ऐसा होता है ना कि बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टीम खोल रहे हैं, स्टीम खोलते खोलते किसी का फोन आ गया, किसी का, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये उम्र ऐसी है दोस्त कि जब आपको सीखने का टाइम है ना उसी समय आसकी भी लोगों की जोर पे होती है, फोन पे, हाँ भाई हाँ, फोन पे बात चल रही है और इधर काम भी हो रहा है, ऐसे में बहुत लफड़े हो सकते हैं। इसलिए प्लान जब चालू करिए ना तो थोड़ा समझा दीजिए कि भाई अभी हम काम पे बिजी हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, स्टीम को खोल रहे हैं, स्टीम जैसे मेन हेडर में आपके प्रेशर आपका ओके हो गया, तब आप यहां से क्या करेंगे, स्टीम का वाल अपना खोलेंगे, कहां के लिए, मेन हेडर के बाद क्या, लो प्रेशर के लिए, लो प्रेशर हेडर के लिए। अब यहां से आप क्या करेंगे, लो प्रेशर हेडर के लिए, लो प्रेशर हेडर के लिए मेन स्टीम से आप, मेन हेडर से आपने स्टीम कहां ली, लो प्रेशर हेडर में, ठीक है। तो लो प्रेशर हेडर में जो आपने स्टीम ली, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जब मैं स्टीम के लिए कोई पार्ट बनाऊंगा तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। लो प्रेशर में ले लिया है, अच्छा, लो प्रेशर हेडर से, जो लो प्रेशर हेडर होता है यहीं से जो है, लो प्रेशर हेडर से ही हमारा जो है हीटर, इंजेक्टर सब जुड़े होते हैं, ठीक है, ओपन के भी जो आइटम में ओपन देते हैं उनके वाल भी सारे जुड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप क्या हीटर के वाल बंद रखते हैं, इंजेक्टर के वाल बंद रखते हैं, तो पहले हीटर इंजेक्टर हेडर में लेने के बाद आप हीटर और इंजेक्टर के वाल खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हीट सबसे पहले क्या है, इंजेक्टर में जब हम स्टीम देंगे तो सबसे पहले वैक्यूम बनाना है, सबसे हमारा मेन काम क्या है, वैक्यूम बनाना है, उसके बाद ही सब कुछ कहानी चालू होगी। तो आप क्या करेंगे, इंजेक्टर में अपनी स्टीम खोल देंगे, इंजेक्टर में आपने स्टीम खोल दी, हीटर में आपने स्टीम खोल दी, ओपन की जो भी वाल है, जैसे स्टीपर में ओपन दे रहे हैं, आपने ड्रायर में, जहां में भी ओपन के है ना, फ्लैशर में कहीं भी ओपन दे रहे हैं, तो ओपन के वाल आपको बंद रखना है, क्योंकि आपका अभी डिस्टिलेशन चालू नहीं है बॉस, आप सिर्फ वैक्यूम बना रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, वैक्यूम बनाना है और टेम्परेचर लेना है। तो लगभग 30 से 35 मिनट या 45 मिनट भी लग सकता है आपको इस प्रक्रिया में लग जाएगा, जब आपका वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा और हीटर में टेम्परेचर आ जाएगा,
ठीक है, हीटर में टेम्परेचर आ गया और वैक्यूम बन गया। ठीक है बॉस, अब जो है मेन चीज आपने क्या किया है, अब आपका जो है वैक्यूम कंप्लीट हो गया है। कैसे चेक कर रहे हैं, आपका वैक्यूम बन गया है, वैक्यूम बन गया है और हीटर में टेम्परेचर हो गया है। हीटर में टेम्परेचर आ गया, वैक्यूम आ गया। वैक्यूम को चेक कहां से देखेंगे, क्या है ना कि प्लांट में सबसे हाई वैक्यूम कहां रहता है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो भी सीख रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा हाई वैक्यूम प्लांट में रहता है ड्रायर में। कहां रहता है, जो ड्रायर है ना आपका उसमें सबसे हाई वैक्यूम रहता है। तो आप वहीं पर जाकर के देख लीजिए कि वैक्यूम हमारा बन गया है कि नहीं बन गया, कितना बन जाना चाहिए, कम से कम आपका जो ड्रायर में 600 mm जो आपका गेज होगा वैक्यूम गेज, वो आपको बताएगा कि आपका कितना वैक्यूम आ गया है। जब आपका वैक्यूम कंप्लीट आ गया, हीटर में टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो आपको बाकी इसके हिसाब से फिर अगर ड्रायर में 600 वैक्यूम आ गए तो जैसे इंजेक्टर के वाल्व खुले हैं तो सब में लगभग आ ही जाता है ज्यादातर। अगर बाकी आपको चेक करना आपका काम है, जरूर चेक करिए आप सब आइटम के, ऐसा तो नहीं कि कोई इंजेक्टर का वाल्व खोलना आप भूल गए, ठीक है, तो उस चीज पे भी ध्यान रखिए। आपने वैक्यूम ले लिया, आपका वैक्यूम कंप्लीट हो गया, अब हमारे चार पंप तो पहले चालू थे, ठीक है, इसमें हम एक जब हमारा वैक्यूम और टेम्परेचर कंप्लीट हो गया बॉस, तब हम क्या करेंगे, यहां से डिस्लेशन चालू करेंगे। अब क्या करेंगे, डिस्लेशन चालू करेंगे। जब हमारा वैक्यूम आ चुका है, डिस्लेशन का पहला पंप मेहनत तो करने दिया, अब आपका जो मिसेला है वो फ्लो मीटर के जरिए चलेगा। तो आपको जो है पंप चालू करने के बाद फ्लो मीटर पे जाना है, कहां जाना है, फ्लो मीटर पे, और ध्यान रखना है आपको कि फ्लो मीटर में बहुत ही कम मात्रा में फ्लो मीटर चालू करें। मतलब जैसे कि आप अगर जो वैसे फ्लो रेट अगर आपका चल रहा है 18-20 हजार लीटर, तो आपको क्या करना है 5-6 हजार बस आपको कम फ्लो मीटर चालू करना है, कम फ्लो मीटर कम चालू करेंगे, क्योंकि अभी प्लांट चालू हो रहा है, कभी भी ज्यादा फ्लो मीटर नहीं चालू कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, अगर मान लो अब मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि हाँ भाई अगर ज्यादा चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो बॉस चालू करने में ये हो जाएगा कि हो सकता है आपका वैक्यूम एकदम से बैठ जाए या वैक्यूम एकदम से डाउन मार दे। तो आपको धीरे से चालू करना है, टेम्परेचर के साथ में जैसे जैसे आप डिस्टिलेशन बढ़ाएंगे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, सब कम चालू करना है। बस कितना चालू करना है, कहीं भी प्लांट चालू कर रहे हैं आप 5-6 हजार से ज्यादा आपको फ्लो मीटर नहीं चलाना है, कम धीरे से। अब आपने मिसेला पंप चालू कर लिया, मिसेला पंप चालू करने के बाद यहां पर एक पंप बढ़ गया आपका, कौन सा, मिसेला पंप, एक पंप ये बढ़ गया आपका। अब मिसेला चालू होने का मतलब है कि डिस्टिलेशन सेक्शन चालू हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, मिसेला पंप से आपका जो हेड ये अपना मिसेला है ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका, कहीं कहीं लगा देते हैं बीच में टेम्परेचर के लिए पीएचई सिस्टम लगा देते हैं, कूलर मतलब एक्सचेंजर लगा देते हैं, लेकिन जाना कहाँ है मैं आपको ये बता दूं, मिसेला सेक्शन से आपका कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर से पास करेगा, तो इकोनोमाइजर में जब जाएगा ना तो मिसेला का पंप हो गया ये, ठीक, पंप के द्वारा मिसेला चालू होगा, इकोनोमाइजर में पहुंचा और जब इसके बीजी फ्लो में दिखा कि हाँ आ गया है, उसके बाद में आप इसका पंप चालू कर देंगे, ठीक। अब इसका पंप चालू हो गया, इकोनोमाइजर आपका चालू हो गया है, इकोनोमाइजर जैसे चालू हो गया है तो उसके बाद में कहां जाएगा, हीटर में जाएगा, हीटर में जाएगा तो हीटर का पंप चालू कर देंगे, फ्लैशर में जाएगा, अगर फ्लैशर है तो फ्लैशर में जाएगा उसके बाद, तो फ्लैशर का पंप चालू कर देंगे, फ्लैशर के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर हीटर में जाएगा, फिर हीटर का पंप चालू करने के, जहां ना जाता जाएगा कुल मिला के उसका पंप हमको चालू करना है, हीटर के बाद में फिर फ्लैशर में जाएगा तो फिर फ्लैशर का पंप चालू कर देंगे, फिर फ्लैशर का पंप चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये पंप जैसे जैसे हमारा तेल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम चालू करते जा रहे हैं, लेकिन आपको अभी स्टीपर और ड्रायर पंप नहीं चालू करना है, स्टीपर और ड्रायर पंप नहीं चालू करना है, इनको बंद रहने देना है, क्योंकि आपका फ्लो मीटर थोड़ा थोड़ा चल रहा है,
तो ये जो ज्यादा पहुंच गया है तो इतना ऑयल नहीं पहुंच जाएगा कि आपको जल्दी से चालू करना पड़े। उससे पहले आपको क्या करना है, ये सब चालू करने, जैसे आपने इकोनोमाइजर चालू कर दिया है, आपका पंप इकोनोमाइजर चालू हो गया है, तो अब आपको यहां इकोनोमाइजर के पंप चालू करने के बाद यहां पर ध्यान देना है कि देखो आपने डिस्टिलेशन चालू कर दिया, अब आपका हैगिन चल रहा है, तो जैसे जैसे आपका हैगिन आगे मिसेला आगे बढ़ेगा तो हैगिन जो है वेपर फॉर्म में जाकर के कंडेंसर में इकट्ठा होना है, तो कंडेंसर को खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ही रिसीवर पंप चालू करना पड़ेगा ताकि कंडेंसर हमारे भर ना जाए। अगर कंडेंसर भी भर गए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बॉस। बहुत ध्यान से चालू करिए, बहुत ध्यान से आराम से चालू करिए, कोई जल्दबाजी चालू करने में मत करिए। तो अब आपने क्या कर दिया, रिसीवर पंप चालू हो गया आपका, रिसीवर पंप चालू कर दिया, रिसीवर आपका फ्लो कर कहां उठाकर फेंक रहा है, ये दे रहा है सेपरेटर को, सेपरेटर को, ठीक है। तो ये एक पंप चालू हो गया, ये आपका सेपरेटर में पहुंचा, तो सेपरेटर से भी पंप चालू करिए। ये कहां पहुंचाएगा आपको, ये पहुंचा देगा आपका एक्सट्रैक्टर के, अब यहां से आपने पंप चालू कर दिया तो ये कहां पहुंच गया, एक्सट्रैक्टर के हापर में, प्लस एक पंप और लगा होगा जो जालीवास के लिए देता है। तो अगर आप जालीवास अभी नहीं चालू करना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप चालू करना चाहते हैं तो घर में बाद में भी कर सकते हैं, थोड़ा जब एक्सट्रैक्टर चालू करेंगे तब चालू कर सकते हैं। तो आपने हापर वाला चालू कर देना है ताकि हापर में सेक्टर में आपके हाइजीन पहुंच जाए। तो अब आपने ये चीजें अगर आप चाहते हैं नोट करना तो नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब इसको हम साफ कर देते हैं, तो आप कितने, अब लगभग आपका डिस्टिलेशन एरिया चालू हो चुका है, सिर्फ स्टीपर और ड्रायर बचा है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है आपका सेपरेटर भी चालू हो गया, हाइजीन पंप भी, सेपरेटर से हमारा हापर में हाइजीन जाने लगा, अब हापर स्ट्रक्चर हापर में कहां जाने लगा हाइजीन, अब हमारा सेपरेटर से कहां जा रहा है, लगभग डिस्टिलेशन पूरा हमारा चालू हो चुका है, सिर्फ स्टीपर और ड्रायर को छोड़ करके, इसको अभी हम चालू नहीं करेंगे, स्टीपर और ड्रायर को जब हमारा पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब हम बताएंगे कब चालू करना है। सेपरेटर से आपका हापर में जा रहा है, स्ट्रक्चर हापर में, स्ट्रक्चर में आपके हाइजीन यहां से फ्लो होना शुरू हो गया है, तब हम स्ट्रक्चर में जब हमारा फ्लो होना चालू हो गया है तब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे स्प्रे पंप चालू कर सकते हैं। तो जब स्ट्रक्चर में पहुंच गया हाइजीन तो हम स्प्रे पंप चालू करेंगे, ठीक है। तो स्प्रे पंप चालू करने के बाद जब स्प्रे चालू हो गए, इधर डिस्टिलेशन हमारा चालू हो गया, जब स्प्रे हमने चालू कर दिया है तो उसके बाद जो है हमारा स्प्रे भी चालू हो गया, लेकिन टेम्परेचर को, वैक्यूम को आपको बराबर चेक करते रहना है कि कहीं वैक्यूम डिस्टिलेशन चालू करने में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ड्रॉप तो नहीं हो गया। कारण है कि वैक्यूम ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने जब चालू किया तो कोई पंप आपका लीकेज हो या कोई परेशानी हो किसी से, कहीं से शक कर रहा हो, तो वैक्यूम को हमेशा ध्यान में रखना है, वैक्यूम को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वैक्यूम टूटा, वैक्यूम गड़बड़ हुआ तो परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो दोस्त इस वीडियो को मैं यहीं तक छोड़ता हूं, इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कारण यह है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप बोर होने लगते हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आपको आगे की प्रक्रिया, अब हमारा एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है, एक्सट्रैक्टर में स्प्रे चालू हो ही चुका है, डिस्टिलेशन चालू हो चुका है, तो आगे इसके बाद में क्या करना है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप अगले वीडियो को इंतजार करिए, बहुत अगले दिन आपको अगले वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम पर बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आप करने आए हैं, जो आप बनने आए हैं, पहले उस पर फोकस करिएगा, बाकी सब कुछ बाद में होता रहेगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज मैं आप सबको एक और बात कहना चाहता हूं, अपने सीनियर का, जो भी आपके बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, उनका रिस्पेक्ट करिए, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है बॉस। तो आपने आप इतना कंप्लीट कर लिया है, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।